म्यूज़िक के साथ कितना लगाव है, कितनी म्यूज़िक सुनती हैं आप, गाने कितने सुनती हैं? काम के बाद सिर्फ गाने ही, काम के बाद सिर्फ, और ज़िंदगी में कुछ नहीं है एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है जैसे गाने सुनने से ना आप, अब आपकी अटेंशन डाइवर्ट जो हो जाती है और आपकी फीलिंग्स जो है ना ऑटोमेटिकली म्यूज़िक में और दूसरी चीज़ों में ना, जैसे नहीं होती थेरेपी, जी 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 जी, जस्ट लाइक मुझे ऐसे फील होता है, आई डोंट नो। कैसी म्यूज़िक सुनना पसंद करती हैं आप? भाई हम तो पुराने लोग हैं तो ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड इज़ गोल्ड, ये पुरानी म्यूज़िक एक्चुअली बड़ी एवरग्रीन म्यूज़िक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पे वो गाने बने थे वो वाले लोग उसको पसंद करते हैं, पर मुझे लगता है कि हर आज का बच्चा बच्चा भी उस म्यूज़िक को पसंद करता है, वो ऐसी म्यूज़िक है अगर उसको थोड़ी बहुत नो हाउ है म्यूज़िक की। आप कैसी म्यूज़िक सुनते हैं और कितनी सुनते हैं? म्यूज़िक मैं कम सुनता हूँ, लेकिन ये है कि रिलैक्सेशन के लिए अच्छा है। मतलब थोड़ा सा मैंने कहा दिल लग जाता है, चेंजिंग हो गई है। वरना पहले से लगा हुआ है, हमें लगाने की जरूरत नहीं है, पहले हमने लगा लिया था, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कितनी बार लगाया था वैसे, गिनती में आए तो? तो मुझे एक दो गाने अच्छे लगते हैं पाकिस्तानी। किसको सुनाते हैं बताएं, दिल कितनी मर्तबा लगा, जरा आते ना, जरा किसको सुनाए थे आपने वो गाने? नहीं नहीं मैंने नहीं सुनाया, लेकिन वो फिल्म तेग बहादुर, उसमें एक्टिंग की थी दर्पण साहब ने, संतोष ने, तो ये तेरे शहर से गुजरता हूँ। हाँ, किसके साथ बैठ के वो फिल्म देखी थी? नहीं मैंने फिल्म नहीं देखी फिल्म नहीं देखी, गाना सुना था, मुझे गाना दिल में लगा और दिमाग में जाके बैठ गया। कौन था दिल में के गाना लग गया? ओए हो, क्या बात है, मैं आपको बता नहीं सकता था कौन दिल में, मुझे ये दिल में कौन था, ये तो नहीं जाहिर कर सकता ना मैं, ये हम जाहिर नहीं कर सकते, ये दिल के अंदर है, दिल में रहते, दिल की बात है, दिल में रहनी चाहिए भाई। अब ये बात मेरी, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये तो अजरा साहिबा का इंटरेस्ट है, वो कह रही है बताएं जी कौन था दिल में, वो यही तो बात है बस। नहीं चाचा साहब आप शेयर कर लें, कोई बात नहीं है, नहीं मैं शेयर कुछ होगा थोड़ी, शेयर हम उम्र की, मैं तो शेयर कर लेता लेकिन वो बात ही ऐसी कि गीदर भी नहीं अरे अब अरे जी अब तो हम उम्र के हिस्से में है, ना शोर शराबा ना खून खराबा, ये तो है लेकिन कुछ नहीं होगा, अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान के दिल में बैठ जाती है, ना शोर शराबा ना खून खराबा, डरे मत, बिल्कुल डरने की आया इसमें, जो बड़ी गहरी बात कर दी, मैं तो डरी, जो डर गया वो मर गया, ना खून खराबा ना शोर, डरे मत, मेरे खून में डर डर है, दिल की बात मेरे खून में डर है, तो बता दे दिल की बात जी। नहीं मेरे, नहीं हमने तो हथियार फेंक दिया, अजरा साहिबा कह रही नहीं आज तो नाम जान के रहना, ये कौन बैठा हुआ था दिल में, नहीं दिल में बैठने की बात नहीं, जरूरी नहीं होता कोई हो दिल में, लेकिन ये कि चीज कुछ अच्छी लगती है, ऐसा ना बोले दिल को और दिल में कुछ ना हो, ये ना हो सकता, मैंने ये नहीं कहा, मेरा कहने का मतलब ये कि दिल को कोई चीज अच्छी लगती है तो इंसान उसमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, यही तो पूछ रहे कौन अच्छा लगा, यही तो सवाल है आपको, मैंने इतना अच्छा जो है ना वो रास्ता दिखाया है, बताया है, एक औरत होने के नाते ना खून खराबा ना शोर शराबा, उम्र के हिस्से में इसलिए बता दे मैंने, लेकिन हमारे में खून खराबा भी है और शोर शराबा भी होता है, लेकिन वो दूसरा वाला है ना, नहीं नहीं वो ये तो इमोशनल वाली बात, ये इमोशन इमोशन की जगह है, वाली बात कर, मेरे तो खून के अंदर भी खून खराबा भी है और शोर शराबा भी है, निसार साहब निसार साहब मैं तो जो है ना आपके इमोशंस की बात कर रही हूं, हम इमोशनल जंग की बात कर रहे हैं, हम कराटे वाले जंग की बात नहीं कर रहे, आप वो गुलवा नहीं सकते मेरे से, कोशिश तो कर सकते हैं, हाँ कोशिश तो कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। चलिए एक काम करते हैं, जरा गाना सुनते हैं, क्या पता जज्बात जो है उभर के बाहर आ जाए, कुछ पता थोड़ी है, ऐसा भी हो सकता है, क्या ख्याल है जी? बिल्कुल।